नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू चैनल्स। नमामि मीशानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं। जी बाबूजी। अरे तू आजकल ऑफिस में क्या दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता है? नहीं बाबूजी, क्यों? अरे तेरे हाथ कितने खुरदुरे। बाबूजी आपके पैर मुलायम हैं। जहर बात है, एक महान खानदानी इंसान होगा तो उसके पैर फूल की पंखड़ी की तरह मुलायम तो होंगे। ए भाई नहीं, बहुत मुलायम है, तू कंधे पे आ जा। जी पैर तोड़ दिया। जरा मलाई की तरह दबाना। जी बाबूजी। ठहर ठहर ठहर, ये क्या लगा रहा है? मिट्टी का तेल है क्या? नहीं तो बाबूजी, खोपरे का तेल है। अच्छा जी, ये खोपरे में से अचानक घासलेट कब से निकलने लगा है? शुद्ध खोपरे का तेल है बाबूजी। तो चमेली का तेल क्यों नहीं लाया? वो है नहीं घर पे। बाजार में तो है ना, तू लेने गया था। जी। लाया क्यों नहीं? जी बाबूजी, इतनी सी बोतल 100 रुपए की मिलती है। मतलब 100 रुपए की ज्यादा परवाह है? और ये 100 करोड़ का बाप, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। काम चोर, बाप से ज्यादा पैसे की परवाह करने वाला। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरे नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। आ रहा हूँ। पानी गर्म कर दिया है, नहा लीजिए। आप बाहर नहाएंगे या अंदर? तुम क्या कर रही थी? घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लो।
क्या फायदा होता, आधा काम गलत करती आधा सही करती, ऊपर से पगा लेके जाती। अब देखो तुम कर रही हो, काम भी सही हो रहा है, पैसे की बचत भी हो रही है, सेहत भी ऊपर खराब है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे कहने पे जो चलेगा वो जीते जी स्वर्ग में रहेगा। दरवाजा हटा। मैंने कहा सुनी, बहू के पिताजी जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जान छोटी उनसे, एक बार मिल तो लो। पहले कुछ खा तो लू, नाश्ता तो कर लू। मिल तो लो। बहू जी, ये आज अजय को नाश्ता नहीं दिए क्या? दे दिया बाबूजी। तू ऐसे मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा है? ए, चल उसको ले जा। जब नाना जी जाएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगा। तो जब तक यहाँ मुझे को देखते रहेगा, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया तो नजर उतार लो अपनी भाई। बहू नाश्ते में मजा नहीं आया। कोई खराबी है बाबूजी? कोई खराबी है, सब खराबी है, खराबी है। ये लकड़े के बने हुए टोस्ट, ये बंदर के कान के समान पूरियां, ये बुदबुदार घास की भाजी, ये गिरी जैसा मस्का, ये तंबाकू की चाय, ये कोई नाश्ता बना है? सभी तो यही खाते हैं बाबूजी। तो कोई जरूरी है जो तुम खाओ मैं भी खाऊं? दुनिया तो मार भी खाती है तो क्या मैं मार खाऊंगा? अच्छा आत्माराम जी, इजाजत दीजिए। आप गए नहीं अब तक जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं सुना था कि आप जाने वाले हैं। तो जी जी, हम तो जा ही रहा हूँ। बड़ी जल्दी जा रहे हैं, मैं समझा था कि शायद चार पांच दिन और रुक जाएंगे। तो जी नहीं, मैं शहर में किसी काम से आया था, सोचा आपसे और बेटी से मिलता चलूं। वैसे ज्यादा दिन बेटी के ठहरना मैं ठीक नहीं समझता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेटी के घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। नहीं नहीं, दुनिया आपके पीठ पीछे क्या क्या बोलती है, आप दुनिया का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। अजी बेटा, नाना जी के पांच हूँ। ओह जुग जुग जियो बेटे, बहुत बड़े आदमी बनो और उसके लिए मन लगा के पढ़ो। जी नाना जी। अच्छा बेटे, अरे ना ना ना, बेटी हमारे यहाँ पाँव नहीं छूती। आत्माराम जी नमस्कार। जो जो। भाव जी, हम इनको छोड़ के आ रहे हैं। सर दर्द की गोलियां लो, असली असरदार सस्ती सर दर्द की गोलियां लो, सर दर्द की गोलियां लो। इसके सर का दर्द मैं ठीक करता हूँ अभी। असली असरदार सस्ती सर दर्द की गोलियां लो। ए गोली वाले, इधर बाबूजी। क्या रे, ये तो हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर सर दर्द की गोलियां क्यों बेच रहे? हम लोग क्या सर में दर्द पैदा करने वाले लोग हैं? बाबूजी, आप जैसे महान आदमी जिस घर में रहते हैं वहां तो सर दर्द अवश्य ही होता होगा। बाबूजी एक आधा दर्जन गोली लेकर रख लीजिए, वक्त पर जरूर काम आएगी साहब। पहले मैं तेरा सर दर्द तो गायब कर दूं। तो सुन बेवकूफ इंसान, इस घर का मैं सर हूं और जिस घर का मैं सर होता हूं उस घर के सर में कभी सर दर्द पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दर्द की वो गोलियां हैं जो गोली के सर से दर्द भगा देती है, मगर हमारे सर में कभी दर्द पैदा हो ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती है, दो टांगे एक शलवार में रह सकती है, कश्ती बिना पतवार के चल सकती है, मगर जहां हम रहते हैं दर्द सर कभी नहीं रह सकता। हमें देखकर दर्द सर ऐसे भाग जाता है जैसे सिंह को देखकर गधा भाग जाता है। तू हमारे दरवाजे पर दर्द सर की गोलियां भेजते हैं? साहब एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा। क्यों, उसमें डूब के खुदकुशी करनी है? नहीं बाबूजी, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है, दो गोली खा लूंगा। गोली से कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, 10 मिनट मेरे सामने बैठ, मेरी बातों को मन लगा के सुन, दर्द रह जाएगा, सर गायब हो जाएगा। अरे अरे, तेरी तबीयत हल्की हो जाएगी। बाबूजी मेरी बीवी उधर भी दबाव चाहिए। अरे वैसे भी तुझे से मुर्दे की बीवी कौन सी सुहागन होती है, पैदाइशी मुर्दा होती है। बाबूजी अरे अरे सुन तो, मुझे सर दर्द की गोलियां बेचने आया था, मुझे हिमालय पहाड़ पर खड़ा कर दो, मैं उसके सर में दर्द पैदा कर दूं। मुझे गोली बेचेगा, पते हो गई। जिसका नाम फर्ज है वो भी तो एक कर
वेल डन माय बॉय, वेल डन। तुम पर जितना भी गर्व किया जाए कम है। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच तो यह है कि रवि इस कॉलेज की शान है। वो आजकल के नौजवानों के लिए एक जिंदा मिसाल है, जो अपनी पढ़ाई और गुजारे का खर्च बर्दाश्त करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करता है। रवि कोई अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप भाई सब हैं, लेकिन उसने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, क्योंकि उसका मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी का बोझ खुद अपने कांधों पर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके इस आत्मविश्वास और बेमिसाल कारनामों के लिए मैं कॉलेज की तरफ। ठहरिए एक मिनट, मैं आता हूं। ठहरिए प्रिंसिपल साहब, ठहरिए। अरे बाप रे, आप इस लड़के की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहे हैं, तो मैं इसकी तारीफ में दो शब्द कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। प्लीज सर, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, वहां खड़े रहो। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है, महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। ये बिन बुलाया मेहमान इतना लंबा भाषण झाड़कर चला गया, कौन था ये? सर, ये महाशय मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ, पिताजी श्री आत्माराम जी। ये कर्मवीर नहीं है, शब्दवीर है। सारी जिंदगी शब्दों के तीर बहुत अच्छे चलाए इन्होंने, मगर मेहनत के लिए हाथ पैर कभी नहीं चलाए। अजय बेटा, हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे बात नहीं करते। अरे क्यों क्यों क्यों? आप संडे को आने का कह गए थे मगर आए नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे चाचा पढ़ते हैं ना, उनका इम्तिहान चल रहा था इसलिए नहीं आ सके। अरे इम्तिहान तो मेरे भी थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ आपका इंतजार भी किया। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अब ये चॉकलेट कौन खाएगा? थैंक यू। चल भाभी दे। रवि, भाभी चल बैठ जा, बैठ जा। प्रणाम प्रणाम। अरे भाभी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आऊँ, पहन के देखना, एकदम मिस इंडिया लगोगी, भैया फ्लैट हो जाएंगे। फिर तो मैं तुम्हारी शादी पर पहनूंगी। आओ, तब तक तो बुढ़ी हो जाओगी। चलेगा। भैया तुम्हारे लिए शर्ट लाया। रवि, मेरे पास बहुत है, ये तुम अपने पास रखो। अरे भैया, मैं तुम्हारे नाप की लेके आया हूँ, दुकानदार वापस लेगा नहीं और मैं इसे पहन पाऊंगा नहीं। प्लीज माँ का है? अंदर आओ। माँ, प्रणाम। माँ। रवि बेटे, कैसा है तू? बिल्कुल फसला, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। माँ, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूँ और बाबूजी के लिए भगवत गीता। ये सब इतना खर्च करने की तुझे क्या जरूरत थी बेटे? माँ, मेरे ख्याल से तुम्हें घर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भैया की तरह घर की हर जिम्मेदारी में हिस्सा लूँ, घर के हर काम में मदद करूँ। बेटे, जिस तंगी के दौर से ये घर गुजर रहा है, उस दौर में हमसे कुछ न लेना भी अपने आप में एक मदद है तेरी इस परिवार के लिए। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं और अपना फर्ज पहचानते हैं। काश औरों की तरह बाबूजी भी ये जानते कि फर्ज जताना कितना आसान है और निभाना कितना मुश्किल। अरे क्या है, मार मैंने इसी तरह पकड़ लेता हूँ ना, चुपचाप खड़े रहो। ला भाई, पकड़ निकाल। इस बात की तनख्वाह, पूरे महीने की तनख्वाह तो तुम एडवांस में ले चुके हो। तू क्या हुआ, अगले महीने के एडवांस में दे दो। वाह 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 वाह, क्या ढंग है काम करने का। दूसरी कंपनी में महीना भर काम करने के बाद तनख्वाह मिलती है और तुम एडवांस में पूरी तनख्वाह मांगते हो। सॉरी, नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, जब तक तुम पगार नहीं दोगे तब तक कुतुब की लाड़ की तरह मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, ना खुद लूंगा ना किसी को पगार लेने दूंगा। माई बाप, मेरे साथ क्यों हुज्जत करते हो? एडवांस चाहिए तो सेठ उस्मान के पास जाके मांगो, मैं नहीं दे सकता। कैसे नहीं दोगे, और अगर मैं तुमको सेठ से पगार लेकर दिखा दूं तो? अगर तुम सेठ साहब से ले आए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। तुमको कौन गुलाम रखेगा, गुलामों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है।
कोई नकद में शर्त लगा तो अभी पगार लेके दिखाता हूँ। अरे भाई आत्माराम, अब चलो भी, देर हो रही है, पगार लेने दो। तमाश, जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे से आदमी से बात कर रहा हो तो मामूली आदमी को बीच में दुम नहीं हिलाना चाहिए। पगार लेके दिखाऊं? लेके दिखा। अभी देखो कैसे लेके दिखाता हूँ। पीछे हटो, हम जा रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हर रोज ऑफिस में लेट आते हो, ना खुद काम करते हो ना दूसरों को काम करने देते हो। हर महीने की तनख्वाह एडवांस में पहले से ले लेते हो। सुधर जाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अगर मैं आपको अपने दिल के घाव और कलेजे के जख्म दिखाऊंगा तो आप अपनी डांट फिटकार वापस लेकर मुझे सीने से लगाकर माफी मांग लेंगे। मेरे घर में आकर एक ऐसी बीमारी ने अड्डा जमा लिया है जिसे देखकर डॉक्टर डर जाते हैं। दवाइयों को मौत आ जाती है और मौत खुद कांप जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मेरी बी को ब्लड कैंसर हो गया है। सर, ब्लड कैंसर? हाँ, ब्लड कैंसर। सारी कमाई डॉक्टर ले जाते हैं सर, घर में एक वक्त खाने को पैसा नहीं बचता है सर। बहुत दुख हुआ सुनकर। मैं जानता था सर, आप जैसा गरीबों का हमदर्द नरम मिजाज इंसान मेरी दुख भरी दास्तान सुनेगा तो बिना पानी के मछली की तरह तड़प उठेगा। नहीं नहीं आत्माराम जी, दुखी मत हो। अरे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतने परेशान हो। तुम्हें पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, अभी और इसी वक्त मिलेगा। नहीं सर, तकलीफ करने की क्या जरूरत? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। सही कहा आपने सर। हेलो, आत्माराम जी को एक महीने की तनख्वाह एडवांस में दो, राइट नाउ। जाइए आत्माराम जी, तनख्वाह ले लीजिए, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी बीमार पत्नी के लिए एडवांस दिया। भगवान आपकी पत्नी को कैंसर की बीमारी? क्या बोल रहे हो आप? कभी ना थे, उनके पास से भी ना गुजरे, ये कहने जा रहा था। आपके लिए मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ, तो मैं चलूँ सर? हाँ जाओ, तनख्वाह ले लेना। क्या है? आज आज बड़े थके हुए लग रहे हैं आप। अच्छा, खाली लग रहा हूँ मतलब हूँ नहीं? चलो जाए गिलास पानी लेकर आ। चलो अब भी लाती हूँ। लग रहा हूँ। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुंह में तोले भर की जबान है, खाली हिला देती हो बस। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे हमारी तरह मेहनत करोगी, शरीर की मशीन में खून जलाकर पसीना बनाओगी तो पता चलेगा। एक तो इतना जालिम मालिक मिला है कि जरा सी गलती होती तो पगार काट डालता है वो। आज मैंने कहा साहब महीना पूरा क्या पगार दो, कहता नहीं तुमसे गलती हो गई पगार काट, फंड में जमा कर दूंगा, जब तुम रिटायर होगे तो डबल होगी मिलेगी। वो तो ठीक है, मगर घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मतलब? तो क्या ये घर मेरी कमाई के पैसों के पहियों पे चलता है? अरे घर में जवान बेटा है, उसको खिला पिला कर नाजों से पाल कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसकी कमाई से चलता है। मेरी कमाई क्या है, आटे में नमक समझो, वो भी नहीं। बाबूजी बाबूजी, ये रहा आपका चमेली का तेल, आज पगार का दिन था ना, और माँ ये रहा आपका बाकी का सामान। देखा, ये है मेरा बेटा। अरे तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा कांधा है, मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं बड़ा खुश नसीब हो कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली, मगर मुझसे ज्यादा खुश नसीब तुम हो कि तुमको मुझे सा बाप मिला। ऐसी ऊंची विचारों की बातें करने वाला, अपनी बातों से मन को मोह लेने वाला बाप कहां नसीब होता आजकल के जमाने में। दूसरे के बापों को देखो, 45 पार किया नहीं कि खटिया पकड़ ली, मगर मैं तो ऐसा आदमी हूं कि अपनी बातों से मुर्दे को खटिया से खड़े कर देता हूं। मैं तारीफ के काबिल हूं कि नहीं? जी बाबूजी। कितना महान है तू। अरे वो है लुच्चा, लफंगा, नालायक रवि। क्या लड़का है, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट एब्सोल्युटली। ये पकड़। आ
कमाल का मॉडल है, देखना कितने स्टाइल से सिगरेट होल्ड करता है। कोल्ड ड्रिंक कैंसल। ए मुझे भी दे दो। आज मूड नहीं है। इसने तो सिगरेट सुलगाई नहीं, फोटो क्या लोगी? हाँ, नहीं सुलगाई। सिगरेट भी कैंसल। ओह माय गॉडनेस, क्या मसल्स है। अरे मेरे को भी देखा था ना। क्या हो रहा है? विटामिन के लिए परफेक्ट मॉडल है। अरे ये तो पानी में चला गया। That's terrible. निकला निकला वो तो निकल गया। नहीं बन जाए। चल चल हम भी चलते। अरे तुम लड़की लोग काम छोड़कर इधर क्या करता है? हम सब काम छोड़कर नहीं आए हैं, हमारा मिल्क ब्रेक हुआ है। बाबा मिल्क ब्रेक हुआ है तो जाओ दूध ब्रेक करो, नहीं हमारा ब्रेक क्यों करता है सर? तुमसे शिकायत करने आया, दूध में आज फिर पानी मिला है। दूध में फिर पानी? हाँ मैडम, हमने लैक्टोमीटर से भी चेक किया है, दूध में दूध कम है और पानी ज्यादा है। अरे ये तो बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। उसको मैं याद दिला देगी उसकी नानी, कल उसको मेरे सामने ला, मैं उसको ठीक करती है। अभी तुम लोग जाओ बाबा जाओ, काम करो, टाइम इज मनी, जाओ जाओ। मिल गया मिल गया। अरे मिस दूधवानी मिल गया, एक फर्स्ट क्लास हैंडसम मॉडल मिल गया, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। अरे उसे देखोगी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अरे पहले मेरे को देख ले तो, किधर है तस्वीर? ये रही। क्यों मिस दूधवानी, है ना दम वाली बात, हैंडसम गोरा रंग। अरे इस तस्वीर को इमामी शैम्पू के इश्तेहार में छापोगी और इमामी शैम्पू की बिक्री 20 गुना बढ़ जाएगी। क्या बात करती है, ये क्या मॉडल है, ये तो दिखता मेरे को पागल है, बिल्कुल थर्ड रेट बकवास। क्या बात करती हो दूधवानी? हेलो माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात कर, मैं तेरी बॉस है मिस दूधवानी। सॉरी मिस दूधवानी, मैंने इतनी मेहनत से जान जोखम में डालकर ये तस्वीरें उतारी और आप इसे थर्ड क्लास और बोगस कह रही हैं। अरे ये तो इमोशनल हो गई चड़ी। अरे बाबा ऐसा नंगा पंगा फोटो छापेगा तो सेंसर खड़ा खड़ा रिजेक्ट कर देगा। नहीं तो शैम्पू के लोग कपड़े पहनकर लगाते हैं। अरे मैं भूल गई, एक काम करो, इसका बॉडी का फोटो काट कर इसका जो शिकल है ना इमामी शैम्पू के इश्तिहार में छाप दो। जाओ फोटो। फोटो देना क्या जरूरी है? जरूरी है। अरे अरे एक दफा इसके बारी का मेरा मतलब फोटो फिर से देख ले वे। मैडम मैडम खरी नाम भैंस लेकर आया है। भैंस? अरे खरी नाम खरी नाम, ये भैंस इधर को क्यों लाया है? मिस राधा और मिस दूधवानी, आप लोगन को शक है ना कि हम दूध में पानी मिलाते हैं? बिल्कुल। इसलिए हम भैंस को आपके सामने दोहने के लिए लाए हैं। अरे खड़ा रहा, ये भैंस के आगे बीड़ बजाना तो सुना था लेकिन ये पहली बार भैंस के आगे डिस्को म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है बाबा। अजी बात ये है कि जहाँ हमारा तबेला है ना, पास में ही एक डिस्को है तो 24 घंटे उसमें म्यूजिक बजता रहता है और ये सुनती रहती है। हाँ
और अगर इसको म्यूजिक बंद कर देना तो ये दूध देना भी बंद कर देगी। क्या बात करता है। अरे और तो और इसको हमको रोज शाम को पड़ोसी के घर ले जाना पड़ता है। तो क्यों? टीवी का प्रोग्राम देखने के लिए और दूरदर्शन के समाचार भी बड़े मजे से देखती है। है क्या तुम? अरे इतना ही नहीं, इलेक्शन का जब टाइम आया तो ये वोट देने की जिद कर रही थी। हमने बहुत समझाया कि देखो भैंस रानी, अभी भैंसों को वोट देने का जमाना नहीं आया, जब आएगा तो देना, तब जाके समझी। ऐसी है हमारी रामवती। और अब तो पोजीशन ये है कि अगर डिस्को म्यूजिक बंद कर देना तो ये दूध देना भी बंद कर दे। अरे याद आए, इसके पहले कि म्यूजिक खत्म हो जाए हम जरा दूध धो ले। अगर ये बेईमान होता तो थोड़े ही हमारे सामने दूध धोता। मुझे लगता है हमारा लैक्टोमीटर दूध चेक करने का आला ही खराब है। अजय अजय मचल रही है। अब खुद ही देख लो, जहाँ डिस्को म्यूजिक बंद हुआ उसने दूध देना भी बंद कर दिया। ये लो दूध और डेट के पियो। अब तो मन में शंका नहीं है ना? नहीं नहीं। अरे गरीब आदमी की सराफत पे शक मत किया करो, पाप लगेगा। आकाशवाणी की बड़ी बहन दूधवाणी, अब हम चलते हैं। राम राम। भाइयों और बहनों, सॉरी सॉरी दोस्तों, आज आप सब डट के खाएंगे क्योंकि आज आप सबका बिल रवि अदा करेगा। क्यों? तेरा मरण दिन है क्या? क्यों, हमें से चतुराई है, मॉडल बन गए तो हमें सब कमीज करने लगे। बस कर रहा यार, ये देखो इमामी शैम्पू। क्यों बच्चों है? अरे तुम्हारा इमामी का सेल बढ़ा दिया और क्या चाहिए। हाँ? ना, कमीन कमीनी मैडम। अरे पूछता क्या है, आउनी, आउनी। अरे ऐसी तोप जैसी आंखों से घूर घूर के क्या देख रही है आप? मैं आप पर केस कर दूंगा। मैं दुधवानी, आपकी ऑफिस किचन छिछोली लड़कियों ने मेरी इजाजत के बगैर मेरी चंडी सुल्टी तस्वीरें खींच ली है। क्या देखिए, और अब इस टाइम में छुपा दिया, किसने हक दिया आपको इस बात का? ए मिस्टर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लोग हमारी एजेंसी में अपनी तस्वीर छपाने के लिए हमारे दफ्तर के चक्कर काटते, हमें मस्का मारते हैं। मस्का मारते हैं? मैं ऐसे लोगों को झापड़ मारता हूँ। क्वाइट। एक तो तुम्हें बिना कोशिश बिना मेहनत के मॉडल बना दिया, ऊपर से होशियारी दिखाते हो। अरे मॉडल बनाने वाली, मुफ्त में मॉडल बना दिया। अब आए मतलब की बात पर, मॉडलिंग के पैसे चाहिए। अरे जिस तरह दूसरे मॉडल्स को मिलता है वैसे तुम्हें भी मिल जाएगा। दूंगी। कैसे दूंगी? चेक से। ये भी कोई तरीका है चू चू चुकता करने का? तो फिर तुम ही बता दो कैसे चुकता करना है। बताओ। ए मिस्टर। अरे दादा दादा देख लूंगा। दादा 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 देख लेना। ओ, ओ, अरे उधर क्या देखता है, मेरे दिल में देख रही। सेठ धनी राम जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिल के मजदूर हड़ताल न करे और आपकी मिल के चक्के रेलगाड़ी के चक्के की तरह छुक 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 चलते रहे तो आपको यूनियन लीडर हस्ते राम हिंगू का मुंह बंद कर देना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्ही ने तो कहा था। सेठ जी, यूनियन लीडरों का मुंह इस तरह नहीं बन किया करते। तो फिर किस तरह? पैसों से सेठ जी, पैसों से। ओ पैसों से। ये क्या है? पैसा। पैसे से मुंह बंद करना था ना? क्षमा। क्या बात है जी? राधा जी के पिताश्री यहीं रहते हैं। हाँ, क्या काम है जी? उनका एक फोटो उतारना था मुझे। फोटो? प्रेस के लिए। सेठ जी, वो प्रेस वाले आपसे मिलने आए हैं। अरे मुझसे क्यों? वो आपकी तस्वीर पेपर में छापना चाहते हैं। क्या? अरे तो जल्दी जाओ, चल जाओ। प्रेस वाले आ रहे हैं और यूनियन वाले जा रहे हैं, जल्दी जाओ। सेठ जी, देख लूंगा मैं आपको। अरे ठीक है, देख लेना, देख लेना। चलो डैडी, चलो। भोपू गिरा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कौन है आप? जी, आपकी सपुत्री राधा जिस महाविद्यालय में शिक्षा पा रही हैं उसी महाविद्यालय की विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ऐसे। बैठो। आभारी, धन्यवाद।
क्या नाम है तुम्हारा? रविंद्र मुखोपाध्याय जी। रवि जी, हमारे महाविद्यालय में वार्षिक समारोह होने जा रहा है, तो हमारे प्राध्यापक महोदय ने हमें निर्देश दिया है कि इस वर्ष शहर के सबसे मानी जानी और बड़ी हस्ती को ही सभापति पद के लिए बुलाया जाए। और आप तो जानते हैं कि इस वक्त शहर में आपके कपड़े के मिल के और आपके बड़े दिल के कोने कोने में चर्चे हैं। तो यही कारण है कि हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप इस वर्ष के हमारे महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में सभापति पद ग्रहण करने का कष्ट करें। निवेदन की कोई आवश्यकता नहीं भाई, हम अवश्य आएंगे। सभापति महोदय, आपकी तो मैंने जितनी प्रशंसा सुन रखी थी, आप उसे भी बढ़कर निकले। अगर आपकी अनुमति हो तो एक छवि उतारना चाहता हूँ वार्षिक पत्रिका में छापने के लिए। अवश्य अवश्य। जरूर लो बेटा, जरूर लो। आप मातोश्री? आप भी साथ में खड़े हो जाइए, आपकी भी छवि उतारूंगा। क्या जोड़ी है। वाह, कालिदास ने अपनी कल्पना में भी ऐसी सुंदर जुगल जोड़ी की रचना न की होगी जिसका मुझे साक्षात दर्शन हो गया। मैं कृतकृत्य हो गया एक चित्र और। आनंद विवेक की अनुभूति हुई। क्या बात है, राधा जी नजर नहीं आ रही? हाँ, वो ऊपर अपने कमरे में है। अच्छा, अपने कक्ष में बैठी हुई है। कॉलेज के वार्षिक समारोह के विषय में उनसे भी वार्तालाप करना है, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ जरूर जाओ। आभारी आभारी। फोटो खींच गए, अब सीधे हो जाओ। Excuse me. Yes. Smile now. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा से मिल लिए जी? खुल के मिल लिया। खुल के मिल लिया। कृत्य कृत्य हो गया, मेरा काम हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या कह लेता हूँ। कितना अच्छा लड़का है। हा? जब बात करता है तो मुंह से शराफत टपकती है। मुझे लड़का पसंद है। कितना शर्मीला है। कहाँ है वो? हाँ? मैं पूछती हूँ कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या हुआ? वो बदमाश कहाँ है? कौन? वो लुच्चा लफंगा जो अभी यहाँ था। अरे वो अभी जो कैमरा लटकाया हुआ बच्चा है वो? हाँ हाँ, वही लुच्चा। अरे वो तो इंतहाई नेक और इंतहाई शरीफ बच्चा था। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें लड़का पसंद है। अगर तुम हाँ कह दो तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। क्या बात करती हूँ माँ, जो नया लड़का घर में आता है, आप देखती हो ना, तो फौरन शादी की बात शुरू कर देती हूँ। आपको पता है वो यहाँ क्यों आया था? हाँ, फोटो उतारने। क्या आपको मालूम था? हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। पिताजी आप होश में तो है? आप क्या बोल रहे हैं? मना करने के बजाय आप खुश हो रहे हैं कि वो तस्वीर उतार कर चला गया। अरे मना किस बात पर करता भाई, मैं तो चाहता था कि 8-10 तस्वीरें वो और खींच ले। आफ्टर ऑल मैगजीन में छपना है ना। व्हाट? गामा पहलवान नारी सुरक्षा दल। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेम साहब, आप अब कहा बताएं? ये हमारे पहलवानों की बहादुरी का और कामयाबी का और इस काले मुंह वाले की बर्बादी का जुलूस है। मगर मामला क्या है, इसका मुंह काला करके गधे पर क्यों बिठाया? अरे कहा बताएं मेम साहब, ये बिन माँ का जना, अरे साला गटर की औलाद, साला हमरे मोहल्ले की छोकरियों को आके रोज रोज छेड़ा करता था।
अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था मेम साहब, ये पहलवान लोग है ना, सब हमारा दूध पीते हैं। तुम्हारा दूध? अरे नहीं, आप समझे नहीं, हमारा मतलब हमारी भैंसों का। अरे मेम साहब, इन पहलवानों को जरा सा पता लग जाए कि कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली किसी मजबूर बच्ची को अपने बाप का माल समझ के छेड़ रहा है, और सारे पहलवान उड़ के वहां पहुंच जाते हैं और दे दनादन बदमाश की पिटाई करते हैं, उसकी हड्डियों का हलवा बना डालते हैं, उसका मुंह काला करते हैं और मुंह काला करके गधे पर बिठाते हैं जैसे कि महाराज को बिठाया है। क्यों बे कल मुंह है, सुखी है ना गधे पर हराम खोर? मेम साहब ये नाम नहीं पढ़ा आपने, गामा पहलवान नारी सुरक्षा दल, इसीलिए लड़कियां इनकी आरती उतार रही है, इनका अभिनंदन कर रही है, इनका स्वागत कर रही है। हाँ, फिर तो ये पहलवान मेरे भी काम आ सकते हैं। राधा शुरू हो जाओ। भगवान आप पांचों को और बलवान बनाए, और हम जैसी बहनों को बचाने के लिए और गुंडों और बदमाशों का मुंह काला करने के लिए हजार गुना शक्ति दे। जामा पहलवान की जय। जामा पहलवान की जय। मेरे भाइयों, मैं भी आपके बहन समान हूँ। हाँ हाँ। इस रिश्ते से मेरी इज्जत और आबरू भी बचाना आप सबों का कर्तव्य है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी, बताइए आपको कोई तकलीफ है? हाँ जी, आज आपकी इस बहन की इज्जत खतरे में है। ओए क्या कहा, खतरा? मैं इस खतरे का पत्रा बना दूं? अब बताओ बताओ, ये कौन फक्कर की औलाद है जिसने आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत की? अब क्या बताऊं जी? बताओ बहन, इस गामा पहलवान नू बताओ, वो कौन है, वो किस मोहल्ले में रहता है? हम उसे पुराने इश्तियार की तरफ फाड़ के फेंक देंगे, उसकी हड्डियां तोड़ के रख देंगे, बस इना बता उधर नाम की है। इस सुनसान सड़क पर किस खुशकिस्मत इंसान का इंतजार कर रही हैं आप? जी आपका। I knew it. कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी, ये बीड़ी या सिगरेट दूँ सुलगाने के लिए? अपना भला चाहते हो तो चुपचाप मेरी फोटो और नेगेटिव मेरे हवाले कर दो। क्या लग रही है आप, अगर आपने मुझसे आज मेरी जान भी मांगी होती तो शायद मैं हंसते हंसते दे देता, मगर फोटोग्राफ और नेगेटिव नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? आपकी। ओके ओके। गामा, गंगू, रुस्तम, दारा, आओ मेरे भाई, आज तुम्हें करनी है कसकर इस लड़के की धुलाई। Bye.
क्या हो रहा है, है? क्या हो रहा है? तुमने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझे बहुत रुलाया है, बहुत हिलाया है, बहुत सताया है। इससे पहले कि तुमने मुझे बिल्कुल ही बिल्कुल हिला दो या हमेशा के लिए सुला दो, मैंने भी अपनी रक्षा के लिए चंद पहलों का बंदोबस्त कर रखा है। तो बुला लो ना चमेली, हवेली, कमला, गमला। मेरी बहनों अनमोल गहनों, मेरी बहनों बोल भैया अनमोल गहनों, मारो ताली करो रखवाली, मारो ताली करो रखवाली। अच्छा बेटा क्या हुआ? माँ मेरे सीने में दर्द हो रहा है। क्या अब सीने सीने में दर्द हो रहा है? अरे बाबा मैंने इसको लाख भर कहा है बारिश में मत खेला करो, सर्दी लग जाए तो ऐसा दर्द होता ही है। मैं दवाई लगा देती हूँ, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। सलाम साहब, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैलाश बाबू, आज आत्माराम जी की छुट्टियां खत्म हो गई ना? जी सर। आज वो ऑफिस ज्वाइन करने वाले थे ना? हाँ सर। 11:30 बज गए, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए। वैसे तो उनका वक्त हो गया है, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं सर। किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो जैसे आए उन्हें अंदर भेजिए मेरे पास। जी सर। और वर्मा जी। जी सर। आप चालान का रजिस्टर लेकर फौरन में पताइएगा। जी जी सर। सलाम साहब, क्या हाल है? बस ठीक है साहब। लगे हुए अब तक? अरे
आत्माराम जी, क्या हुआ? मुझे देख के बिना क्यों गए खैरियत? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी खैर नहीं। मेरी क्यों? उस्मान सेठ बहुत गुस्से में है। मुझ पे? हाँ, आपको फौरन अंदर बुलाया है। ते मेरी बोल तो नहीं खुल गई? झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो, एक नंबर के झूठे। इतने बड़े आदमी होकर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बालों में सफेदी आ गई, मगर सफेद झूठ बोलने की आदत नहीं गई। 20 साल से मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो और कोई ना कोई बहाना बनाकर ऑफिस में नहीं आते हो। कभी बीवी के कैंसर की बीमारी का बहाना, कभी बेटे की बीमारी का बहाना, कभी बेटे की बीमारी का बहाना। उस दिन अपनी बीवी की बीमारी बताकर तुम मुझसे पैसा ले गए थे। उसी पैसे से तुमने अपने नए कपड़ों का बिल चुकाया, पान वाले का बिल अदा किया तुमने। देखो खामोश, मैंने अपनी इन आंखों से सब कुछ देखा है, अब सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारा कोई भी जादू मुझ पर चलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें। अपना फैसला सुनाने से पहले मेरा फैसला भी तो सुन लो। ये लो। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है। इस्तीफा? हम जैसे महान लोग जब आपकी मामूली सी नौकरी करते ना, तो आपका हम पर नहीं बल्कि हमारा आपकी नौकरी परेशान होता है। आप इतनी सी तनख्वाह देते हैं, हम आपकी ऑफिस को इतनी सारी इज्जत देते हैं, फैसला सुनाएंगे? मेरे कानों को सुनने की आदत नहीं है, मेरी जबान को सुनाने की आदत है, समझे? और एक बात और, आप मुझको नौकरी से अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको मालिक बने से अलग कर रहा हूं। आई डिसमिस यू फ्रॉम द पोस्ट ऑफ बॉसशिप ऑफ माई जॉब। अंडरस्टूड? गेट लॉस्ट। शाबाश, तू बैठ, मैं देखती हूं। जी मां, अब मेरी बारी। अरे आप, आज तो आप देर से आने वाले थे, इतनी जल्दी ऑफिस से लौट आए? जल्दी से लौटा है क्या मतलब? यूं समझ लो कि मैं हमेशा के लिए लौट आया हूं। क्या मतलब? मैंने वो नौकरी छोड़ दी। क्या आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ भाई, इंसान को जमाने के साथ चलना चाहिए। आगे वाले अगर जाएंगे नहीं तो पीछे वाले आगे आएंगे कैसे? बूढ़े जल्दी रिटायर नहीं होंगे तो जवानों को नौकरी कौन देगा? मगर पहले मेरी सुन लो, बाद में अगर मगर करते रहना। सरकार ने इलेक्शन में वोट डालने वालों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी है, 3 साल कम। इसका मतलब हर इंसान को अपनी जिंदगी में नौकरी भी 3 साल कम करनी चाहिए। 55 साल में रिटायर होने वालों को 52 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। आज मैं 52 साल का हो गया हूँ। और वैसे भी आजकल जो लड़के हैं वो बड़ी कम उम्र में जवान होने लगे, और जल्दी जवान होने लगे तो उनको जल्दी से घर बसाना चाहिए, घर बसाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए। तो उन करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ गया। मगर घर का क्या होगा? अरे यार, ये मत सोचो कि घर का क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि अगर मैंने नौकरी न छोड़ी तो देश का क्या होगा? बूढ़े अगर रिटायर नहीं होंगे तो नौजवानों में बेकारी बढ़ जाएगी, इसलिए वो मजबूर होकर हर गलत काम करने लग जाएंगे। चोरी करेंगे, राह चलते की थैली लेकर भाग जाएंगे, खून करेंगे, डाका डालेंगे, स्मगलिंग करेंगे, भयंकर इंसान बन जाएंगे। तो मैंने अपनी एक नौकरी छोड़कर देश की सारी समस्याएं जो वो हल कर दी। अरे भाई, अपने देश के नौजवान बच्चों के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्यों विजय, है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। और मैं एक बात और कहूं, जिस बाप के दो दो जवान बेटे हों उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो घर बैठ के आराम करना चाहिए। और बाबूजी, वैसे भी आपकी उम्र काम करने की नहीं है। वाह, तू मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो भगवान ने खीरा है जो मेरे दामन में डाल दिया। इसको चिंता नहीं कि मेरी नौकरी चली गई है, इसको मेरे स्वास्थ्य की चिंता है, मेरे सेहत की चिंता है, मुझे सारी जिंदगी बिठा कर खिला गया है ना बेटा। जी बाबूजी। चलो, मेरी समस्या तो हल हो गई, चलो खाना निकालो, चलो। वाह 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 वाह, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। अर्थात अजगर साहब को काम करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने हर जीव जंतु के खाने का इंतजाम कर रखा है, फिर चाहे वो खुद की मेहनत का हो या दूसरे की मेहनत का छीना हुआ हो। अच्छी कविता ना बाबूजी। रवि, ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती बाबूजी से ऐसी बातें करते हुए? अरे कमाल है भैया, मैं तो अपने कोर्स की दास मलूका की कविता का पाठ पढ़ रहा था। हाँ, अगर दास मलूका की कविता किसी पर सच साबित होती हो या आपको बुरी लगती हो तो मैं माफी चाहता हूँ। देखो रवि, इस बार तो तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने फिर कभी, आज के बाद कहा भैया, आज के बाद तो कॉलेज शुरू हो जाएगा, फिर वही पढ़ाई, वही हॉस्टल, वही पार्ट टाइम जॉब। बस अफसोस इस बात का रहेगा कि बाबूजी की अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातों से और नसीहतों से महरूम रहना पड़ेगा। क्या करूं, मजबूरी है। ओ
बेदिंग ब्यूटी राधा की खूबसूरती ने तो दिल आधा कर दिया रे। इसके गोरे गोरे गाल तो देखो, क्या लाल टमाटर जैसे हैं। मन करता है इसके गालों को चूम लूं। इडियट, ये तस्वीर मैंने यहाँ पर चूमने के लिए नहीं लगाई है, सिर्फ देखने के लिए लगाई है। अगर ये सब करना है तो अपने अपने कमरे में जाओ। सूखे सूखे लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ, तुम भी लेके जाओ, मिल गए, और तुम भी लेके जाओ, मिल गए, तुम भी लेके जाओ। क्या बात है, चार दिन से ऑफिस नहीं आई है, यहाँ आराम करती है, चार दिन का पैसा तेरे पगार में से काटेगी तो मेरे को नहीं बोलना। अरे क्या बात करती हो दुधवानी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना आपकी एजेंसी के लिए मैं रवि की तस्वीरें लेती, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। अरे मगर हुआ क्या है, मुझे भी तो मालूम पड़े। आप नहीं जानती, उसने मेरी फोटो ले ली है, वो भी नहाते हुए। मुझे तो डर है कहीं उसने कॉलेज की दीवारों पर मेरी फोटो लगा दी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है प्यारी, जैसा मैं बताती हूँ वैसा करेगी ना तो तू क्या, लोग तेरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो कैसे? अरे बताती हूँ। माय लॉर्ड, मैं जात पात धर्म कर्म और मजहब को नहीं मानता। जब से यह दुनिया बनी है तब से यहाँ सिर्फ एक वहाँ बैठा है, जाकर पकड़ ले। चानस अच्छा है, जैसा बताया है वैसा ही करना। जा। नहीं, ओ जा। नहीं। जा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बिना इजाजत आपकी तस्वीर ले ली, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, मेरे पास छोड़ी है। नहीं, पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा क्या क्या क्या, आप यहाँ कैसे आई? दरअसल आप नहीं जानते। क्या? मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा जी, तो फिर वो फोटोग्राफ, वो एड एजेंसी का क्या चक्कर था? वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है जो मैं शौकिया करती हूँ। चलिए, कम से कम मेरी और आपकी सोच यहाँ पर तो आकर मिलती है कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हैं। आपके भाई कैसे? कौन से भाई? वही गंगू, गामा, रुस्तम, दारा। आप मुझे दो चांटे मार दीजिए, दो चार गालियां दे दीजिए, मगर बीती बातें मत दोहराइए। बहुत तकलीफ होती नहीं जी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। अच्छा। आप मेरे साथ कोने में चलेंगे? कोने में? इन्हें कोने में क्यों ले जा रही हैं आप? आने के बाद बताती हूँ। चुप। चलिए ना। चलिए। सुनिए, कोई नहीं देख रहा, बोलिए। मेरे कमान से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आ सकता, मगर आपका तीर तो अभी तक कमान ही में है ना। जरा खुल के कहिए। मेरा मतलब है कि आपके फोटोग्राफ्स तो छप गए, मगर मेरे फोटोग्राफ्स तो अभी तक आपके पास ही है ना। प्लीज वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स मुझे वापस दे दीजिए। चलिए वापस कर देता, सिर्फ एक बार आप मुझे आई लव यू बोल दीजिए। मैं एक बार बोलूंगी, आप मुझे वापस दे देंगे? आई लव यू। ये आई लव यू बोल रही है, एक्ट बोल रही है? अरे थोड़ा नरमी से, थोड़ा मिठास छिड़क कर, मोहब्बत का तड़का लगाकर, दिल पे वजन रखकर, थोड़ा प्यार से स्टाइल से बोलिए आई लव यू। समझ ली ना? क्या हुआ? ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा बाजू में था, खैर चलेगा। इसी बात को आप थोड़ा जोर से बोलिए ताकि मेरे दोस्त सुन सके। आपके दोस्त सुन सके? जैसे बोलिए आई लव यू। नहीं क्यों, कहिए ना, मेरे दोस्त सुनेंगे प्लीज। नहीं नहीं, अरे कहिए ना, कहिए। नहीं चलिए, मैं आपकी तरफ से मैं बोल लेता हूँ कि आप कुछ कह रही हैं। नहीं प्लीज। दोस्तों, ये मोहतरमा बड़े प्यार से मुझे कुछ कहना चाहती है, आप लोग जरा गौर से सुनिए, बोलिए। To hell with you. फिकर मत करो मुन्ना, आज तो वो चली गई, कल कॉलेज की पिकनिक है, दूसरी मुलाकात के लिए तैयार हो जाओ रवि। दोस्तों जरा गौर फरमाए, इन देवी जी की एक चीज मेरे पास है जो मैं आप लोगों के बीच सरेआम लौटा देना चाहता। ना ना ना,
यहाँ नहीं। ये नाना कर रही है। चलिए हम इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी? सिर्फ एक बार मुझे ये छू ले। बस इतनी सी बात है, इसमें क्या है? लो। तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ? तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ? अभी वही की वही है बात, ओ, अभी वही की वही है बात, तूने मुझे कहाँ छुआ? तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ? छू
छूना जिसमें मन को मन छूले, एक शक्ल याद रहे सारा जहां भूले, अनछुए छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ, तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ। पूरा एक लीटर डाल दिया ना? डाल तो दिया है एक लीटर बहन जी, लेकिन विजय बाबू को बोलना, दो महीने हो गए बिल चुकता नहीं किया। तुम्हारे कितने पैसे बाकी हैं? पूरे 700 रुपए। 700 रुपए? आती एक तारीख तक बिल अदा कर देना बहन जी, हमारे भी आगे बीवी बच्चे हैं, आखिर हम भी तो किसी के जवाबदार हैं। अच्छा आप एक काम करो, इसमें से आधा लीटर दूध निकाल लो, बच्चे को दूध मिले ना मिले बाबूजी के पीने और उनकी चाय के लिए आधा लीटर दूध काफी है। नहीं नहीं बहन जी, रहने दीजिए रहने दीजिए। क्या बात है सपना, आज तुम इतनी उदास क्यों? क्या बताऊं? बोलो ना क्या बात है। मैं सोच रही हूँ, घर का खर्चा बढ़ गया है और आमदनी कम हो गई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी जब काम करते थे भले घर में 300-400 रुपए देते थे, घर गृहस्थी में कुछ मदद हो जाती थी, मगर अब तो वो सहारा भी क्या। उम्र के साथ साथ हर आदमी को रिटायर होना पड़ता है, इसमें बाबूजी का क्या दोष है? दोष तो हमारी किस्मत का है, इस घर में कमाने वाले सिर्फ दो हाथ और खाने वाले 5 आदमी, ये भी कोई उम्र है रिटायर होने की? मेरे बाबूजी को तो देखा है आपने, आपके बाबूजी से 5 बरस बड़े हैं, मगर आज भी काम करते हैं वो। सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की घटिया बातें कर सकती हो। तो और क्या करूं मैं, खून की तरफ पिसते रहते हैं हम लोग, जिंदगी जीने का मतलब ही खत्म हो गया है। 2 महीने हो गए दूध का बिल नहीं दिया गया, 3 महीने हो गए घर का किराया नहीं दिया गया। मगर इन सब बातों से बाबूजी का क्या संबंध है? अगर बाबूजी रिटायर हो गए हैं तो कोई दूसरा काम तो कर सकते हैं ना। सपना, बाबूजी घर में 2 महीने क्या बैठ गए, तुम्हें उनका घर पे बैठना अखरने लग गया। भगवान न करे, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी बीमारी लग जाए और बिस्तर पर लेट जाए तो तुम तो वो औरत हो जो अपने बीमार ससुर को उस हालत में छोड़कर मायके चली जाओगे। अजय बेटा क्या हुआ? अजय बेटा, माँ मेरे छाती में आज फिर से दर्द हुआ। आप लोग किस किस्म के माँ बाप हैं? बच्चा जरा सा भागता है, खेलता है या कूदता है तो अक्सर उसके सीने में दर्द हो जाता है। आप लोगों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है? आप लोग इसे एक बार डॉक्टर को दिखाना भी मुनासिब नहीं समझते? डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? आपके बेटे को कॉन्जिनेंटल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि उसके दिल में सुराख है। सुराख? जी हाँ, सुराख, जो इसकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज हो सकता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? यही कोई 25,000। 25,000? डॉक्टर साहब, 25,000 का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, वैसे भी फिलहाल ऑपरेशन की जल्दी नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर अगर इसका इलाज हो जाए तो बेहतर है, वरना इसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, और जब तक इलाज ना हो जाए
बच्चे को खेलने कूदने मत दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जहां से भी हो जैसे भी हो मैं पैसों का पूरा इंतजाम करूंगा। मेरा एक ही बच्चा है और उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा। ठीक है, आप परसों आ जाइए, तब तक और भी दूसरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और आज ही मैं अपने सीनियर विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर भट्टाचार्य के साथ इस केस को डिस्कस करके रखूंगा जी। और हाँ, इस बच्चे का ख्याल रखिएगा। आके आई बेटा। माँ घर कब जाएंगे? भाइयों बहनों और माताओं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये मंदिर, इसकी बाहर की दीवारें और बाहरी हिस्सा बहुत पुराना हो चुका है जिसकी मरम्मत करवाना आवश्यक है। तो हरिराम जी, आप धर्म के नाम पे कितना लिखवाते हैं? मेरी तरह से 2.25 रुपए लिख लीजिए महाराज। लिख लीजिए 2.25 रुपए। और आप दयाराम जी? मेरी तरफ से 11.25 रुपए लिख लीजिए महाराज। सुनिए, ये लोग दान दे रहे हैं, देवी माँ को धन की चटनी चटा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है लोगों को। अरे आत्माराम जी। हाँ जी। अरे आप वहाँ बैठे हैं, कहिए आपके नाम के सामने कितनी रकम लिखूं? लिख दीजिए 201 रुपया। वाह 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 वाह। अरे आप हाथ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, यहाँ आइए ना। हाँ आइए। देखा आपने धर्म के नाम पर मंदिर की मरम्मत के लिए 201 रुपए चंदा देने का वादा किया है। मैं चाहूंगा कि ऐसा महान व्यक्ति धर्म के बारे में आप लोगों से 2-4 शब्द कहे। सुनिए, आपने पैसे जेब में रख लिए ना? हाँ हाँ रख लेती हूँ। आज शाम अजय को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ याद है मुझे। डॉक्टर? विजय सपना, क्या बात है, तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? माँ अजय को डॉक्टर भट्टाचार्य के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास क्यों? माँ डॉक्टर का कहना है कि अजय के दिल में सुराख है। मैं कुछ बोलूं? ये वहम है, वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। अरे मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ बेटा, ये आजकल के डॉक्टर जो है ना बिल्कुल डाकुओं की तरह होते हैं। डाकू एक मरता माफ कर देगा मगर डॉक्टर बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये डॉक्टर अपनी जेब भरने के लिए अच्छा खासा आदमी को चीर फाड़ कर रख देते हैं, बाद में जिब भी नहीं लगाते। आंख का इलाज कराने जाओ तो दांत निकाल के हाथ में रख देते हैं, दांत का इलाज कराने जाओ तो लाश उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाबूजी डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा है। अरे लानत भेजो ऐसे एक्सरे पर, ऐसे पुराने एक्सरे चोर बाजार में 2 रुपए में मिलते हैं। मरे हुए आदमी का एक्सरे देखा कर कहते हैं तो कोई ये बीमारी है। मुझे खुद देखो ना, बचपन में एक डॉक्टर ने कहा था तुमको बहुत खतरनाक बीमारी, इलाज करो वरना 6 महीने मर जाओगे। ये बात को 40 साल हो गए, आज तक नहीं मरा, अभी तक जिंदा हूँ। और उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त को डॉक्टर ने कहा तुमको भी यही बीमारी, इलाज करो, और उसने घबरा के इलाज कराया तो 3 महीने में मर गया। मैं आज तक जिंदा हूँ, इसीलिए कहता हूँ डॉक्टर जो कहता ना उसको उल्टा करो। वो कहे इलाज कराओ तो मत कराओ, वो कहे मत कराओ तो करा लो। ए कहाँ है तू? क्या बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉक्टर का नहीं सुना मेरी बात? जी, जी। समझ गया ना? जी, जी। जा, शाबाश, वेरी गुड। अरे ओहो, मतलब की बात तो मैं भूल ही गया। वो मैं ना मैं मंदिर गया था। बहुत अच्छी बात है बाबूजी। नहीं अच्छी तो है, लेकिन क्या है वो मंदिर है ना बहुत पुराना हो गया, उसको जरा मरम्मत की जरूरत है। तो सबने अपनी हैसियत के हिसाब से चंदा देने का वादा किया तो मैंने भी कुछ वादा कर दिया उसके लिए। कुछ तो कितने रुपए चाहिए बाबूजी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 201 रुपए। नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, मैं मंदिर चला जाऊंगा, सबके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर एक एक पैर पकड़कर नाक रगड़कर क्षमा मांग लूंगा। सबसे बोलूंगा भाइयों मैंने झूठा वादा किया था, मैं चंदा नहीं दे सकता, मुझे गालियां दे लो, मुझे जूतों से मार लो, मगर मैं चंदा नहीं दे सकता। क्या होगा, खाली इज्जत ही तो चली जाएगी। खैर वैसे भी बूढ़ों को इज्जत की क्या जरूरत होती है, जब बुढ़ापा आता तो जवानी चली जाती, जब जवानी जाती तो नौकरी चली जाती, जब नौकरी जाती तो साथ में इज्जत भी चली जाती, क्या फर्क पड़ता है? बाबूजी ये कैसी बातें करते हैं आप? आपकी इज्जत चली जाए ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो अपने पिता की इज्जत की भगवान के समान पूजा करता हूँ। आपकी इज्जत चली गई तो मैं समझूंगा मेरे शरीर में से जान चली गई। पिताजी ये लीजिए बाबूजी। रवि ये क्या बदतमीजी, वापस कर दे पैसे बाबूजी को। मैं इसमें से एक पैसा भी बाबूजी को नहीं दूंगा। रवि देख, देखो तुम, और जरा सोचो, तुम अपने बेटे की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम।
अरे कौन सा मतलब कौन सा धर्म ये कहता है? ये मंदिर की दीवारें बना दो और उसके लिए भले एक मासूम बच्चे की जिंदगी की दीवार गिरती है तो उसे गिरा दो। कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं कहता, और अगर कहता है तो धर्म धर्म नहीं है, अधर्म है। मंदिर के लिए चंदा चाहिए। इस घर में रहने वालों की खुद की जिंदगी भीख के चंदे की तरह गुजर रही है। अरे हम लोगों की हैसियत है कि हम लोग किसी को चंदा दे सके? देख रवि, मुझे तुझसे जिंदगी का पाठ नहीं सीखना। ये बाबूजी की फरमाइश है और उनकी फरमाइश को मैं ठुकरा नहीं सकता, भले इसमें बच्चे की जान चली जाए। देख रवि, देख भैया, बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर रहे हो तुम। मैं आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। ला मेरे पैसे वापस। मैं पैसे नहीं दूंगा। मेरे पैसे वापस दे। मैंने कहा ना मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पैसे वापस दे। मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं तो भूल ही गया कि पैसे भी तुम्हारे हैं और बच्चा भी तुम्हारा है। भला मुझे क्या हक पहुंचता है आपकी पैसों पर हक जताने का? ये लो। तुम बड़ी खामोश खामोश सी हो। क्या बोलो? नहीं बोलो, मन में छुपा के मत रखो। आज जो कुछ रवि ने कहा वो बातें आपको बुरी तो लगी होंगी, लेकिन लेकिन क्या? एक तरीके से देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई है। अपनी खुशी अपने मजे के लिए हम कब तक अपने बेटे विजय को मेहनत की चक्की में पीसते रहेंगे, उसका खून पसीना एक करते रहेंगे? आपने कभी विजय की हालत देखी है? सुबह शाम जानवरों की तरह मेहनत करता रहता है, हर घड़ी एक ही लगन रहती है उसे अपने माँ बाप को खुश रखे, उन्हें रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। और हम उसके प्यार का, उसके अच्छे विचारों का गलत फायदा उठा रहे हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, फिल्म देखी है कभी? नहीं, तुम कहाँ देखती हो। ये जो इंसान की जिंदगी है ना, इसकी कहानी बिल्कुल फिल्मों जैसी होती है। इंटरवल से पहले माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं और इंटरवल के बाद बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो अपनी जो है ना, इस वक्त इंटरवल की बात की कहानी चल रही है, इसलिए सेवा करना उनका धर्म है, मेवा खाना अपना धर्म है। हाँ, और इस मेवे में औलाद की जिंदगी की सांसें ही क्यों न मिली हो, उसे भी हम खा जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? अरे बड़ी नसीबों वाली होती है वो औलाद जिनको माँ बाप की सेवा का अवसर मिलता है। जो सेवा करते हैं वो निखर जाते हैं और जो नहीं करते वो कंकर की तरह बिखर जाते हैं। अरे रामचंद्र जी की मिसाल लो, बाप के सिर्फ कहने पर 14 साल के लिए वनवास पर चले गए थे और श्रवण कुमार माँ बाप को डोली में बिठा कर कंधे पर उठाकर तीरथों पर घूम रहा था। मैं तो अपने बेटे से खाली सेवा करा रहा हूँ, मैं कौन सा उसके कांधे से लटक रहा हूँ। रामचंद्र जी की मिसाल तो आपने दे दी, मगर रामचंद्र जी के पिता दशरथ थे, हमारा बेटा तो रामचंद्र बन गया। लेकिन क्या आप दशरथ हैं? क्यों, तुम्हें शक है? अगर वो राम है तो राम को पैदा करने वाला बाप डेफिनेटली दशरथ होगा। मुझे कोई फजूल बहस नहीं चाहिए, समझी? मैं कोई बकवास सुनना नहीं चाहता। जा अपना काम करो, जा। तुम गई नहीं अब तक? थैंक यू सर। विजय जी, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ईमानदारी देखकर ये रुपए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन बार बार तुम इन रुपयों का करते क्या? कभी तुम एडवांस में रुपए मांग कर ले जाते हो, कभी कर्जा मांगने चले जाते हो, और फिर यही कर्जा उतारने के लिए तुम 8 की बजाय 16-16 घंटे काम करते हो। तुमने कभी ये सोचा है कि इस शरीर को भी आराम की जरूरत होती है? आखिर ये सेहत कब तक तुम्हारा साथ देगी? जब तक साथ देगी तब तक मेहनत करता रहूंगा सर। मगर तुम इतने रुपयों का आखिर करते क्या? बात ये सर कि पहले मेरे पिताजी नौकरी करते थे, अब उनकी नौकरी नहीं रही, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। इसलिए मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, ज्यादा कमाऊं, ताकि अपने माँ बाप को किसी भी किस्म की कमी या तकलीफ का एहसास न होने दो। लेकिन माँ बाप को भी एक बात समझ लेनी चाहिए
कि जब कमाने वाले हाथ कम हो जाएं, तो खर्च करने वालों को अपने हाथ रोक लेने चाहिए। कोई बात नहीं है सर, माँ बाप की सेवा में मुझे रति भर तकलीफ नहीं होती, उल्टा सुख मिलता है। खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, समझाना मेरा काम था, समझना ना समझना तुम पर है। थैंक यू सर। बेजुबान अपनी जुबान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला गया। दुनिया की नजरों में इसकी मौत ऊंचाई से गिर कर हुई है, मगर इसकी मौत का जिम्मेदार कोई और है। किसने मारा से बेटा? मत कहिए मुझे बेटा, मत कहिए। आपके मुंह से बहुत घिनौने लगते हैं शब्द, ऐसा लगता है जैसे कोई गाली दे रहा है, क्योंकि आप सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने घर से प्यार करते हैं, अपने मतलब से प्यार करते हैं। बेटा किस जानवर को कहते हैं, उसका प्यार क्या होता है ये आपको मालूम नहीं है। मेरा ये भाई सुबह से शाम तक आपकी सेवा करता रहा, आपने इसकी हैसियत से बढ़कर इसे सेवा की उम्मीद की, और सेवा के मैदान में अंधाधुंध दौड़ते दौड़ते जब ये ठोकर खा के मुंह के पर गिरा तो हमेशा के लिए मौत की गोद में चला गया। मेरा ये भाई मरा नहीं है, इसे मारा गया है, खून हुआ है इसका, और ये खून आपने किया है, अपने वफादार बेटे के खून ही है। और हाँ, इसकी लाश भी आपके काम आ सकती है, चीर फाड़ करने वाले अस्पतालों में लाशें भी खरीदी जाती है, ले जाकर बेच दीजिए अपने बेटे की लाश को। ये जा रहा है, ये जा रहा है, जाते जाते अपने बेटे की जिंदगी की आखिरी इंस्टॉलमेंट वसूल कर लीजिए। Thank you.
घबरा मत बेटे, अब तेरे डैडी को कुछ नहीं होगा। वो दुख की गर्मी और गरीबी की सर्दी इन तमाम दर्द के मौसमों से बहुत दूर चले गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रवि बेटा, इस पगड़ी को यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्गों से छुआ लो, ताकि उनके आशीर्वाद से ये बच्चा अपने बाप के जिम्मेदारियों का बोझ अच्छी तरह संभाल सके। लो बेटा। पूरी हो गई? जी हाँ। सपना, अच्छे बेटे चलो अपने घर। मतलब आज के बाद ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके सर से साया उठ चुका है। मेरी बेटी विधवा हो गई है, राजू का पिता स्वर्गवासी हो चुका है, मेरा दामाद अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और उसकी मौत ने तलवार बनकर हमारे आपके बीच के संबंध के धागों को काट डाला है। और जब तुमने अपनी औलाद अपने खून को नहीं बख्शा, उसे चबा चबा कर खा गए, तो अपनी बहू पोते को क्या बख्शोगे? अपनी बहू से लोगों के घरों में बर्तन और कपड़े धुलवा कर पैसे कमाने के लिए कहोगे? इस मासूम गरीब बच्चे, बीमार बच्चे को चौराहे पे खड़ा करके उससे भीख मंगवाओगे? भले चाहे मर जाए, लेकिन तुम्हारे अपने ऐशो-आराम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आत्माराम जी, मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ समझे, इसलिए मैं इन बच्चों को यहाँ से ले जा रहा हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए। सपना हमारी बहू है, इस घर की इज्जत है, इसे आप कैसे ले जा सकते हैं? ले जाने दो इन्हें माँ। ले जाने दो इन्हें। वैसे भी भाभी के लिए अब इस घर में क्या रखा है? कहते हैं हर पत्नी की तमन्ना होती कि ससुराल से अर्थी पर लेटकर पति के कंधे पर सवार होकर विदा हो, मगर पति तो पहले ही अर्थी पर सवार होकर विदा हो चुका। वो कांधा खाक हो गया है माँ, जो इनका सहारा था। अब इनके लिए इस घर में क्या बचा? जाने दो, जाने दो। चलो बेटे। औलाद की हिम्मत को बढ़ाने के बजाय उनकी हिम्मत को तोड़ता रहा, अपने स्वार्थ और अपने गरज के खातिर अपने परिवार और अपनी औलाद को कुचलता रहा, और अपने वफादार बेटे को अपनी फरमाइशों के खातिर बलि चढ़ा दिया। खुद अपने खून का खूनी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पिता कातिल नहीं है, उनकी खुशी के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान किया है, और ये कहां का इंसाफ है?
अरे कहाँ का इंसाफ है कि अगर एक बेटा अपना कर्तव्य निभाते हुए खुशी से मर जाए तो आप उसके पिता को उसका कातिल ठहराएंगे? हैं? हे जगत पिता, मेरी आपसे यही एक विनती है कि अगर मेरा दूसरा जन्म होता है तो मुझे इसी पिता के घर में जन्म देना, ताकि मैं अपने पिछले जन्म के अधूरे फर्ज अगले जन्म में पूरे कर सकूं। भूल गए तुम, भूल गए तुम के एक बेटा होने के साथ साथ तुम एक बच्चे के पाप भी हो। भूल गए तुम कि तुम्हारा बेटा दिल का मरीज है। भूल गए तुम कि उसके दिल में सुराख है। भैया, तुम्हारे जन्म कम पड़ जाएंगे मगर बाबूजी की फरमाइशें कभी कम नहीं होंगी। ऐसा इंसान जिसने एक नन्हे बच्चे को यतीम कर दिया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा। इसका फैसला हम करेंगे। जरूर करना बेटा, जरूर करना। मेरे साथ इंसाफ मत करना। मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे मेरे किए की सजा जरूर देना बेटा। क्या हुआ? क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना। लक्ष्मी, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अपने बेटे का खून मैंने किया है, फिर मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। मेरा बेटा मेरे कारण इस दुनिया से चला गया, अब मैं उसका कातिल हूँ। तेरे बाबूजी की राह देख रही हूँ। रामलाल जी के यहाँ गए हैं बहू और पोते को लाने के लिए। बाबूजी, भाभी और अजय को ला ले। नहीं बेटे, तेरे बाबूजी बदल गए हैं। ऐसा लगता है बेटे की चिता की आग में उनकी सारी बुराइयां जल गई। खेलने? नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं खेल नहीं सकता। यो विश, जो बेटा मुझे देख के किताब बंद क्यों करती? मुंह फिरा के क्यों जाने लगे? तुम भी अपने दादा से नफरत करते हो क्या? दादाजी वो बोल बेटा। दादाजी कहते हैं आप मेरे पिताजी के कातिल हैं। दादाजी, कातिल क्या होता है? मुझे देख ले बेटा, कातिल ऐसा होता है क्योंकि मेरे अंदर एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान रहता था, जिसने अपने मतलब के लिए तेरे पिता को, मेरे बेटे को, मेरे दिल के टुकड़े को अपने मतलब की भेंट चढ़ा के रख दिया। अच्छू आत्माराम जी, मैंने उस रोज आपके घर में सब कुछ साफ साफ कह दिया था। उस बात को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता और ना ही आपकी बेइज्जती करना चाहता हूँ। बेहतर होगा आप यहां से इसी वक्त चले जाएं। रामलाल जी, एक पापी गुनहगार को प्रायश्चित एक मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने बेटे के लिए तो बाप का कर्तव्य नहीं निभा सका, लेकिन अपने बहू के लिए बाप का और अपने पोते के लिए दादा का कर्तव्य निभाने का एक मौका मांगता हूं, सिर्फ एक मौका। मुझे एक बार इन बच्चों को अपने घर ले जाने दीजिए बस। कभी नहीं, अभी आपके घर कभी नहीं जाएंगे। सपना जी, अज्जू को अंदर ले जाओ। रामलाल जी, इन मत हटाइए मेरे सामने से। ये जब सब मेरे पास है तो मैंने इनकी कोई कदर नहीं की, जब चले गए तो ऐसा लगा जैसे
किसी ने मेरे सर से आकाश और मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। मैं गुनहगार हूं। मैंने अपने बेटे को कोई सुख नहीं दिया, मगर वो सारा सुख मैं इनकी झोली में डाल दूंगा। मैं अपनी सांसें बेच बेच के इनकी परवरिश करूंगा। आत्माराम जी, जो इंसान जिंदगी भर खुद दूसरों पे बोझ बन के रहा हो, वो इंसान अपने बुढ़ापे के कमजोर कांधों पर किसी और की जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठाएगा? ये नामुमकिन है। ये महज जज्बाती बातें हैं और मैं इन खोखली जज्बाती बातों पर विश्वास नहीं करता। रामलाल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी बहू, मेरे पोते को मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आत्माराम जी, उल्टा मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेहरबानी करके चले जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। अपने दामाद की मौत का सदमा बड़ी मुश्किल से सहन कर पाया हूँ और अब अपनी बेटी और नवासी की मौत नहीं देख पाऊंगा। चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। बैठना, मुझ पापी के बारे में छू। इस पापी को प्रायश्चित का एक अवसर दे दे बेटी। चल अपने घर चल, चल बेटा। अरे रवि, तुम गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ दिन में सब? अरे तुम तो 6 बजे के बाद यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, ये सब? सर आजकल मैंने रात के साथ साथ दिन में भी काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? आप कहा करते थे ना सर कि 4 घंटा पार्ट टाइम जॉब करने की जगह अगर 8 घंटा फुल टाइम जॉब करूंगा तो तनख्वाह भी फुल मिलेगी। मेरा मतलब है कि 700 की जगह 1500 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल कहा करता था, लेकिन तुम तो अपने कॉलेज और पढ़ाई के खर्चे के लिए यहाँ काम किया करते थे। ये समझ लीजिए कि पढ़ाई और कॉलेज भी पार्ट टाइम हो गया है और नौकरी फुल टाइम। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं आत्माराम बोल रहा हूँ। अपने पोते के इलाज के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए, आज शाम को मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक आप अपने पोते को लेकर आ जाइएगा। ओके, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर भाइयों, हमें गर्व है हमारे प्रिय नेता श्री हस्तलाल हिंगू पर, जिन्होंने आप लोगों के लिए अपनी जान देने का फैसला किया है। शायद आप लोग जानते नहीं, ये भूख हड़ताल और 2 दिन अगर चलती है तो आपके प्रिय नेता और मेरे पिता भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हमारे नेता हस्तलाल हिंगू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इधर आप, इधर आप। अरे गधे की औलाद, मैं क्या मर गया हूँ कि तू मुझे अमर कर रहा है? मैं तो जिंदा हूँ, मरे हुए आदमी को अमर करते हैं। तू मेरा बेटा है कि कसाई है? अरे डॉक्टरों को बुलाओ, प्रेस वालों को बुलाओ, मेरी पब्लिसिटी करो। हाय हाय, जी मर गए, जी जान से प्यारे, जी मर गए, जी हाय क्या बताऊं बहनों, ये साइड मेरे पहाड़ जैसे हट्टे कट्टे पति को खा गई। होती ना ये दुनिया से चले जाते। हाय हाय मेरे
ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है बेटी। अगर मिलके स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तो मैं तबाह हो जाऊंगा। 10 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। उसी मौत की याद से रिहर्सल कर रहा हूँ। माँ, तुम्हें भी शर्म नहीं आई? इस रिहर्सल में तुम भी विधवा का लिबास पहनकर बैठ गई। जीते जी अपने पति को। माँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरे बापू ने कहा कि रिहर्सल पक्की होनी चाहिए, मतलब वैसे लगना चाहिए जैसे ये सचमुच। इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लिया। मगर ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए बेटी कि कल हड़ताल का 25वां दिन है, यानी रजत जयंती, यानी के सिल्वर जुबली डे, और मेरा आखिरी दिन। नहीं 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 डैडी, आखिरी दिन आपका नहीं होगा। आखिरी दिन होगा उन हड़ताल करने वालों का। अगर मैंने उन हड़ताल करने वालों का सुरताल ना ठीक किया तो मेरा भी नाम राधा नहीं। चिकने तेरे यहाँ
नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। इस बच्चे को तो मैंने पहले देखा है। जी हाँ, ये मेरा पोता है, मेरा बेटा विजय। इसे चेकअप के लिए आपके पास पहले लाया था। ये इसका एक्सरे है। हाँ, मैंने आपके बेटे से इसके इलाज के लिए कहा था, लेकिन फिर वो आया ही नहीं। वो आ नहीं सका। अपने बाप के लिए बेटे का फर्ज निभाते निभाते इतनी दूर चला गया कि जहां से इंसान जीते जी कभी लौट कर ला नहीं सकता। ओ क्षमा करना, इसके वजह से इलाज के लिए कितना खर्च होगा? कम से कम 25,000 तो लगेंगे ही। 25,000? पैसा कुछ ज्यादा है, लेकिन बच्चे की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। और इलाज के लिए सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है, उसके बाद ये केस डॉक्टरों के हाथ से बाहर निकल जाएगा और इलाज नामुमकिन हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, इलाज तो किसी भी हालत में होगा। मेरे पोते की जिंदगी मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। इसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने हिस्से की बाकी जिंदगी बेच डालूंगा। मैं इलाज जरूर कराऊंगा। आऊंगा डॉक्टर साहब, आऊंगा। ओहो जनाब आत्माराम जी, खैरियत? कहिए, आज अचानक यहां कैसे आना हुआ? मलिक, मैं इस लायक तो नहीं हूं। अगर हो सके तो मुझे मेरी नौकरी वापिस दे दीजिए। देखो आत्माराम, मैं तुम्हारी एक्टिंग और अदाकारी बहुत देख चुका हूं। ये मासूम सा चेहरा बनाकर हाथ जोड़कर फिर से कोई नाटक करने आए हो तो बेकार है। एक मौका सर, सिर्फ एक मौका भीख में दे दीजिए सर। कुछ नहीं तो मैं चपरासी की नौकरी करने को तैयार हूं, मगर एक बार मौका दे दीजिए सर। 20 साल तक लगातार तुम्हें मौका तो देता आ रहा था आत्माराम, मगर तुम सर, सिर्फ एक मौका सर। मैं बहुत बदनसीब हूं, मेरा जवान बेटा मर गया सर, मेरी बहू विधवा हो गई, मेरा छोटा मासूम पोता यतीम हो गया सर, सब मेरे कारण सर। उस मासूम के दिल में सुराख है, उसी का इलाज कराने के लिए मैं नौकरी आपसे भीख में मांग रहा हूं सर। शर्म करो आत्माराम, शर्म करो। कब तक लोगों की मौत और बीमारियों का बहाना बनाकर झूठ बोलते रहोगे? याद है, सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह के लिए तुमने अपनी अच्छी खासी बीवी को कैंसर का मरीज बनाया, और आज बेटे की मौत और पोते के दिल की सुराख की कहानी सुनाकर हमदर्दी हासिल करना चाहते हो? बहुत ही बेहया बेशर्म आदमी हो तुम। तुमसे बात करना मैं गुनाह समझता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर। यकीन और तुम्हारा? अरे तुम तो वो झूठे और मकार इंसान हो कि अगर फरिश्ता भी तुम्हारी उंगली पकड़ कर मेरे आए और तुम्हारी पैर भी करे तो मैं उसका भी यकीन ना करूं। देखो, इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, तुम जाओ यहां से। आई से गेट आउट। तुम जाते हो कि नहीं? जाता हूं सर, जाता हूं। मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था। शेर आया और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूं तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। हम जैसों की यही सजा है सर, यही सजा है। आपका समय बर्बाद किया सर, आपका नाम।
से तो भागा अब तक अब फर्ज की खातिर जीना। चलते ही जाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है जिसका नाम फर्ज है वो भी तो एक कर्ज है। कर्ज चुकाना है बुराई को अच्छाई में एक रोज बदल जाना है। क्या बाबूजी फिर प्याज और रोटी सब्जी दाल खाना तो कई दिनों से भूल ही गए हैं आप। कई दिनों से आप चटनी रोटी ही खा रहे हैं। कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए, मगर मेरी तो चादर ही छिन गई है। अब मुझे सारी जिंदगी पैर सुखेड़ के सोना होगा। ऐसा मत बोलिए बाबूजी। हाँ बेटी, मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूं। ये चटनी रोटी भी मैं अगले जन्म से कर्ज लेकर खा रहा हूं बाबूजी। हाँ बेटी, मेरा सब्जी रोटी खाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना मेरे पोते का इलाज करना जरूरी है। और इलाज के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो खतरा खतरा करके ही जमा करना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि आत्माराम को ये बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गई, औलाद का आशियाना उजड़ गया। कितने पैसे हुए? 260 रुपए। ये रख लीजिए। अभी तू? हाँ भाभी, ये पैसे वापस रख लो। लेकिन नहीं भाभी, तुम कुछ नहीं कहोगी। बाबूजी जिस महीने मजदूरी से दौड़ धूप कर रहे हैं, खून के सारे शरीर पे छाले पड़ गए, उनके इस गाढ़े खून पसीने की कमाई को संभाल के रखो, हाजू के ऑपरेशन में काम आएगी। बाबूजी की मेहनत और उनके जागे हुए एहसास को देखकर एक बात तो सच साबित हुई कि सोने को अगर कसौटी पर खरा उतरना हो तो एक बार तो तपती भट्टी से तपकर निकलना ही पड़ता है। हाजू बेटे, ये चॉकलेट कौन खाएगा? थैंक यू। चल पप्पी दे। लुच्चा चढ़िया दूध वाला इतना पतला दूध बेचता है, अरे इससे ज्यादा गाढ़ा तो पानी है। एक महीने से बेवकूफ बनाता है और फिर भैंस लेके आ गया। किसका भैंस? अरे मिस दूधवानी, अभी आपकी आंखों के सामने हमने भैंस को धुआ है और दूध निकाल के दिया है, फिर भी आप कहती हैं कि दूध पतला है।
भैंसों को उस दिन भी धोया था और शैनी लगाकर चला गया, आज फिर धोया है, लेकिन आज हमारा लड़की लोग ने मेड इन हांगकांग का मीटर से चेक किया है, दूध पतला है, पानी है इसमें। कहीं तुम्हारा भैंस उल्लास नगर का तो नहीं है? उल्लास नगर का? अजी उल्लास नगर तो इतना दूर है, हमारी भैंस वहाँ से यहाँ कैसे आएगी? दरअसल बात क्या है दूधनी जी, मतलब दूधवानी जी, ये आजकल गर्मी बहुत है ना, तो हमारी भैंस ससुरी दिन भर पानी में घुसी रहती है, और भैंस का चमड़ा कपड़े की तरह पानी को चूसता है और पेट के पतीले में जहाँ पर दूध जमा है मिलाकर उसको पतला बना देता है, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? ऐसा बाहर का पानी तेरे भैंस का पेट में घुस जाता है, और भैंसों की तरह तेरा भैंस क्या वाटर प्रूफ नहीं है? सारा चिड़िया मुंह कुत्तो बिलो हमको बेवकूफ बनाता है, बहुत देखे तेरे। अरे 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 क्या करती हो दूध वानी जी, देखा हमारे दूध की ताकत, ये हाथ है कि बिजली का खंभा? साधु बकबक नहीं करना, आज तक जितना तेरा दूध पिया है नी भैंस का, हाँ हाँ भैंस का जितना दूध पिया है नी उसका आधा पैसा निकाल। आधा? हाँ हाँ आधा। अरे बाबा मैंने तो पूरा पैसा भरा है नी, और दूध पिया है तुम्हारा आधा आधा नल का पानी, अब जल्दी से पैसे निकालने तो तेरे को चमड़े में से निकाल देगी, जल्दी कर। अरे कहाँ से निकाल दे, खा पी के हजम हो गया, उसको पेट में से कैसे और कहाँ से निकाल सकते हैं? अगर हम आपसे कहें कि आज तक जितना दूध पिया है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो क्या इस टैंकर से दूध को वापस निकाल सकते हैं? अपना गलती मानता है नहीं, हुज्जत करता है। अरे ये क्या कर दिया लानत। एक्सक्यूज मी मिस दूधवानी, आपने इसे इतनी जोर से डांटा और मारा कि इस बेचारे को डर के मारे निकल गया। I'm sorry, लेकिन ये तुम क्या किया, हमारा फ्लोर गंदा कर दिया, हमारे ऑफिस को टॉयलेट बना दिया। इसमें हमरा तो नीचे का फ्लोर गंदा हुआ तो समझ में आता है, ये ऊपर से फाउंटेन की तरफ से आता है, कुछ गड़बड़ है। लड़की लोग इसका कपड़ा उतारो। नहीं नहीं नहीं, मेरी इज्जत मत उतारो। हम तुम्हारा इज्जत नहीं उतारता है, कपड़ा उतारता है, उतारो क्विक। अरे नहीं नहीं अरे नहीं अरे नहीं, उतारो जल्दी उतारो। दो पड़ गई मान, लड़की लोग ठीक बोलता था कि तुम दूध में पानी मिलाता है, और हमारे सामने भगवान और साई की कसम खाता था कि तुम दूध में पानी नहीं मिलाता है। आजी कसम तो हम अब भी खाते हैं कि हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं। तो फिर ये सब क्या है? ये पानी है, हम पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी नहीं। लेकिन आज से तेरा मेरा धंधा फ्रेश। नहीं नहीं मिस दूधवानी, ऐसा अत्याचार करके मेरे कलेजे को अपने पहाड़ जैसे नाजुक पांव के नीचे मत दबाइए, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्या बोलता है? मैं क्या बताऊं मिस दूधवानी, मैंने आज तक ये बात अपने दिल में छुपा के रखी, किसी को पता ही नहीं, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मोहब्बत, इसीलिए मैं दूध में रोज पानी मिलाया करता था कि आप पी पी कर पतली हो जाएंगी, और मैं एक दिन डोली लाऊंगा, शादी करूंगा। शादी? लड़की लोग इस उल्लू को उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी करो। दूधवानी मेरे पे जुल्म मत कीजिए, अगर आप शादी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, आपके ऑफिस के सामने से जनाजा निकलेगा। अरे दूधवानी लगता है खरे राम आपसे प्यार करता है, और सही मायने में आपका आशिक है। अरे छोड़ो छोड़ो, शायद आप जानती नहीं, आशिक की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए। अरे इस हाय से तो धरती का सीना फट जाता है, बादल रोने लगते हैं, कयामत आ जाती है, कयामत। अरे नो, अरे यस। एक्सक्यूज मी सर, आपका 4 बजे सेठ नारायण दास के साथ जमीन की डील का अपॉइंटमेंट था, 4 तो आपको सर यही हो गए। मैं निकल ही रहा था, तुम एक काम करो, नारायण दास को फोन कर देना कि मैं 5 बजे तक पहुंच। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोलो। बोलो कहला। अभी अभी मेरा बॉस उस्मान ऑफिस से 10 लाख रुपए लेकर निकला है, 1 घंटे में वो मिंट रोड से गुजरेगा। गुलू, इससे अच्छा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास 10 लाख रुपए कैश है। कैश? Thank you.
अरे भाई ये क्या हिमाकत है, गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देता है क्या? इस सड़क में बाजा बजाए चले जा रहे हो, बहरे हो क्या? कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? एक 10 लाख रुपए का चेक है, इसे कैश कर दो बैंक बाबू। बैंक बाबू क्या बकते हो, ना ही मेरे को बैंक बाबू हूँ और ना ही मेरा किसी बैंक से कोई ताल्लुक है। नहीं, तुम तो खुद एक चलता फिरता बैंक हो। एक काम करो, ये 10 लाख रुपए का चेक तुम रख लो और नोटों से भरा हुआ बैग मैं खुद ले लेता हूँ। नहीं जाओ, वो बैग छोड़ो, वो बैग बचाओ बचाओ। दस लाख का चेक कैश हो गया बहन बाबू। ये लीजिए सेठ जी। बेटे तुमने मेरी जान और माल की हिफाजत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं बेटे, इसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो कहो, रुपया पैसा घर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे सकता हूं बेटे। जी नहीं सेठ जी, इन सब चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, मगर आपसे एक विनती है, अगर आप आत्माराम जी को दोबारा नौकरी पर रख ले तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं बेटे नहीं, ऐसा मत कहो, जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन बेटे एक बात तो बताओ, आत्माराम से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वही जो
आपका अपने बेटे से होता है। क्या तुम आत्माराम के बेटे हो? वाह बेटा वाह, मुझे तुम पर नाज है। खुदा हर बाप को तुम जैसी औलाद नसीब करे। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। शुक्रिया सेठ जी। सेठ जी एक और विनती है। कहो बेटे। मेरे बाबूजी से कभी ये मत बताइएगा कि ये नौकरी उन्हें दोबारा मेरी वजह से मिली है। वो बेटे के दिल की धड़कन का बाप के दिल से क्या ताल्लुक होता है। मैं भी महसूस कर रहा हूं बेटे, मैं भी महसूस कर रहा हूं। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। नहीं नहीं मामूली चोट है। उस्मान सेठ आप? बुजुर्गों का कहना है कि पसीना और खून का बहुत नजदीक का रिश्ता होता है। जवानी में ईमानदारी से पसीना बहाओगे तो बुढ़ापे में अपना खून अपने से ईमानदारी करेगा, और फिर वो रगों में बहने वाला खून हो या औलाद बनकर सहारा देने वाला खून हो। बिल्कुल सही कहे उस्मान सेठ। क्या करें, हम जैसे कमजोर लोगों के जब खून में गर्मी होती है तो ईमान ठंडा हो जाता है, और जब खून ठंडा होता है तो अरमानों की दुनिया में आग लग चुकी होती है। चलता हूं सेठ, बहुत काम बाकी है। नहीं आत्माराम, तुम यहां नहीं, मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी वो पुरानी कुर्सी, तुम्हारा टेबल तुमको फिर से याद कर रहा है। नहीं उस्मान सेठ, मुझ पे रहम मत करो, मैं अब रहम के काबिल नहीं रहा। नहीं आत्माराम, नहीं, मैं तुम पर कोई रहम नहीं कर रहा हूं, बल्कि उल्टा रहम मांग रहा हूं। तुम अगर अपनी कुर्सी पर बैठोगे नहीं, वो कर्ज मेरे ऊपर रह जाएगा, और वो कर्ज अदा किए बिना मैं हज पे जाऊंगा नहीं, और अगर चला भी गया तो मेरा हज कबूल नहीं होगा। आत्माराम, क्या तुम अपने पुराने दोस्त पर इतना एहसान नहीं करोगे? नहीं आत्माराम, नहीं, तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे सामने उठो, उठो आत्माराम। नहीं नहीं राममोहन जी, मीरा जी, भाई ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है? आज डैडी का दूसरा जन्म हुआ है, इसी खुशी में ये पार्टी। दूसरा जन्म हुआ है क्या मतलब? जी हाँ, डैडी को अपने पैदा होने पर या अपनी शादी पर भी इतनी खुशी नहीं हुई होगी, क्यों माँ? जितनी खुशी उन्हें आज अपने बन मिल के दोबारा शुरू होने पर हुई है। अच्छा अच्छा, आप आगे पढ़िए। चलो भाई। बेटी सारे मेहमान आ गए, लेकिन वो खास मेहमान तो आया ही नहीं जिसकी वजह से हमारी मिल दोबारा खुली। तुमने उसका नाम तक नहीं बताया। डैडी यही तो सस्पेंस है। ओहो बेटी, आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए, ये बाजू परेशान है उसे गले से लगाने के लिए। मिस दुवानी, आप इस लिबास में? अरे प्यारी, अब हम दूधवानी नहीं, दूध वाली बन गए हैं। हम ई का रंग में पूरा रंग गए हैं। हमार ललुआ। मैडम, आप तो दूधवानी से दूध वाली बन गई, मगर क्या ये खरे राम से खरे रमानी बने के नहीं? अरे जब इसने मेरे को भयन बनाया है तो मैं क्या छोड़ेगी? नहीं बनाया है, शुरू हो जाओ। Yes. शुरू। आई खरे 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 रमानी, मां ही नखे सच्चे दिल का प्यार कंदो आया, जी लैला मजनू खे, अरे शेरी पढ़ा दखे, हीर राजा खे, सलीम अनार के लिए खे, बच्चू बावड़ा खे, शोले में वसंती खे, मां सच्चे दिल से इनसे प्यार कंदो आया, साईं लाला जी कसम, झूले लाला जी कसम, चढ़ो मोह कुत्तो बिल्लो खुश। अच्छा आप अंदर चलिए तो सही। अरे की प्यापी है मुझे। प्रणाम। पानी क्यों नहीं आया?
धर्मपत्नी, धर्मपत्नी, ये वही है, फोटो वाला, कैमरे वाला। हाँ? माता श्री, मुझे सभापति बना रहा था, मेरी मिल लो मेरी दिल के बड़े चर्चे हैं शहर में, वासिक पत्रिका के लिए मेरी फोटो खींची, मेरी बीवी की फोटो खींची और मेरी बेटी की तस्वीर ली। वस्त्रहीन, तुझे नहीं छोड़ूंगा, धर्मपति शुरू हो जा। डैडी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं? यही तो है वो खास मेहमान जिसे सीने से लगाने के लिए आप तरस रहे थे। यही है मिस्टर रवि। वही? हाँ। रवि, बेटी ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये कोई अंदाज है मिलाने का? अंकल, आप नहीं जानते, जब इश्क हो जाता है तो मिलने मिलाने दोनों के ही अंदाज बदल जाते हैं। ऐ नारादा। Thank you.
जी हाँ बेग साहब, उसका ऑर्डर मैंने दे दिया। मैं सर। आओ आत्माराम जी आओ। नमस्कार सर। सर ये अकाउंटेंट ने मुझे 15,000 रुपए दिए, किस बात के? तुम्हारी मेहनत के। मेरी मेहनत के? सर मेरी मेहनत की तनख्वाह तो आप हर महीने मुझे दे देते हैं, फिर ये किसकी? आत्माराम तुम्हें तुम्हारे पोते के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, उसी के लिए। नहीं सर, मेरे बेटे की मौत मेरी लापरवाही के कारण हुई है, तो उसके बेटे का इलाज भी मेरी मेहनत के पैसे से होगा। मेरे बेटे का खून मेरी वजह से बहा है, तो उसके बेटे का इलाज भी मेरे खून से निचोड़े हुए पसीने से होगा। सर आपकी इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया सर, इसे आप रख लीजिए। वाह सुभान अल्लाह। आत्माराम मैं तुम्हारे उसूलों की इज्जत करता हूँ, इसलिए आज तुम्हें एक और काम सौंप रहा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और काम के जज्बे को देखकर आज से मैं तुम्हारे कांधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ रख रहा हूँ। मैं समझा नहीं। ये गोडाउन की चाबियां हैं, आज से सारे गोडाउन की देखरेख तुम ही करोगे, आज से तमाम गोडाउन के सुपरवाइजर हो तुम। पढ़ाई बाद में कर ले, पहले दवा तो खा ले। शाबाश। वो देख रहा तूफान, आगे पढ़ बेटे। नमस्कार आत्माराम जी। अरे कैलाश बाबू आप खैरियत? जी हाँ, बस पता चला कि आपके पोते की तबीयत। अजय बेटा एक काम करो, ये जो दादाजी मेरी छुट्टी। हाँ बेटा बाद में पढ़ेंगे, जाओ। अब तबीयत कैसी है इसकी? जी आप बैठिए ना। आत्माराम जी इस उम्र में आपके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे वक्त में गरीब ही गरीब के काम आ सकता है। ये रख लीजिए आप। ये क्या? ये एक छोटा सा नजराना है, 10,000 रुपए, इसे रख लीजिए, बच्चे की बीमारी में काम आएगी। नहीं नहीं कैलाश बाबू मुझे। देखिए आपको ये रकम रखनी होगी, और फिर मैं आपको उधार थोड़ी दे रहा हूँ, ये तो इंसानियत के नाते आपको दे रहा हूँ, बस आप सिर्फ इसके बदले मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया कीजिए। कैसी मदद? आत्माराम जी सेठ जी ने आपको गोदाम का सुपरवाइजर बनाया, कंपनी से जितना माल बाहर जाता है और जितना अंदर आता है वो सारा चार्ज आपके हाथ में है, तो क्या? तो जब 50 बॉक्स बाहर जाए तो आप 25 लिख दिया करें। जी अरे सोचते क्या है आत्माराम जी, इन अमीरों को हम लोगों ने अपना खून पसीना जलाकर अमीर बनाया, 1,000 पति से करोड़पति बन गए ये लोग, पर हम तो गरीब के गरीब ही रह गए ना। अब आप ही देखिए, पोते के इलाज के लिए 4 पैसे नहीं है आपके पास। आत्माराम जी अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करते रहेंगे तो जिंदगी से तकलीफ का नामो निशान मिट जाए, क्यों क्या कहते हैं आप? चुप, चुप आप कहें। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आत्माराम जी जी चलान 10 का ही बनाया ना? जी आपने कहा था 10 का बना, तो मैंने 10 ही को बनाया। वेरी गुड। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी बेईमानी पर मुझे पहले से ही शक था, लेकिन सबूत नहीं था। आज आत्माराम जी की वजह से सबूत भी मिल गया और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का मौका भी। अरेस्ट। Thank
मम्मी देखो नीचे ओले गिर रहे हैं। बेटा मैं काम कर रही हूँ। मेरी अजय को चिंता की कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आत्माराम जी, जी आप जरा मेरे साथ आइए। नहीं मैं ले लेता हूं। क्या बात है? आत्माराम जी बच्चे की हालत ठीक नहीं, पहले बात साल डेढ़ साल की थी मगर अब महीने डेढ़ महीने की रह गई। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीजिए वरना। आत्माराम जी नमस्कार। बाबूजी आप कहीं हिम्मत तो नहीं हार गए ना? आप हिम्मत मत हारिएगा बाबूजी, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार गए तो हिम्मत खुद हार जाएगी। भगवान किसी भी इंसान को उसके हौसले और बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता, मगर इंसान अगर खुद हार जाए तो भला वो भी क्या कर सकता है। अपने अज्जू को कुछ नहीं होगा बाबूजी, अपने अज्जू को कुछ नहीं होगा। ये आपका कर्ज है बाबूजी और आप ही को इसे चुकाना है, और आप इसे चुकाएंगे बाबूजी, आप इसे चुकाएंगे। ये लो बेटे तुम्हारी साल भर की कमाई के 10,000 रुपए, जिन्हें तुम मेरे काम करके बूंद बूंद इकट्ठा करके दरिया बनाते रहे, एक एक पैसा जमा करते रहे। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसे रवि, मुझे तो तुम पर फख्र है। तुमने जिस सब्र और धीरज का परिचय दिया है शायद ही दुनिया में कोई नौजवान दे सकता है, वरना इस जमाने में आजकल के नौजवान जितना कमाते नहीं इससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिया करते हैं, मगर तुमने अपनी कमाई का एक पैसा भी खर्च नहीं किया। रवि मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं बनता, फिर भी दिल पूछने पर मजबूर कर रहा है। आप क्या पूछना चाहते हैं सर? यही पूछना चाह रहा हूं कि इन सबका कारण क्या है। कारण तो बहुत बड़ा है सर, इन रुपयों को जमा करने का, किसी रोज फुर्सत में बताऊंगा। अच्छा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। अब दो नमस्ते सेठ जी। अरे रवि बेटा तुम उम्र दराज हो, आओ बैठो बैठो। शुक्रिया। अरे शुक्रिया छोड़ो, ये बताओ कि अचानक आज मेरी याद कैसे आ गई? सेठ जी बाबूजी को दोबारा नौकरी पर रखकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। देखो खबरदार अगर ये एहसान का लफ्ज लिया तो। माफी चाहता हूँ सेठ जी, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मगर सेठ जी मैं चाहता हूँ कि एक उपकार और करें आप मुझ पर। ये 10,000 रुपए अजय के इलाज के लिए, कुछ भी करके किसी भी तरीके से आप इन रुपयों को बाबूजी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अपने हाथों से ये रुपए उन्हें देकर मैं अपने बाबूजी के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तुम क्या समझते हो कि मैंने तुम्हारे बाबूजी को पैसे देने की कोशिश नहीं की? लेकिन आत्माराम इतना खुददार इंसान बन चुका है कि वो अपनी जिंदगी का बोझ अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से धोना चाहता है, सिर्फ अपनी कमाई से अपने बेटे का कर्ज उतारना चाहता है। मैं जानता हूं, मगर 25,000 जितनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा।
अकेले जिंदगी से लड़ते लड़ते वो थक न जाए, इसीलिए इस काम में उनका हाथ बटाना चाहता हूं। और सिर्फ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप किसी भी तरीके से कोई भी बहाना करके इन रुपयों को बाबूजी तक पहुंचा दीजिए। वाह माशाल्लाह, क्या ख्याल है। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करके देखता हूं, तुम्हें रुपया मुझे दे दो। धन्यवाद सेठ जी। अरे अरे, खुदा खुदा, खुदा। सर ये केमको केमिकल का ऑर्डर चला गया सर। और अग्रवाल का? वो तो कल ही चला गया था। गुड, वेरी गुड। चलो सर। हाँ तुम जाओ। नमस्कार। आत्माराम जी, जरा इधर आना। किस? अरे भाई असल बात करना तो मैं भूल ही गया। क्या सर? ये जेडे क्लब वालों ने कमाल की रेस रखी है। रेस? बूढ़ों की रेस। इस रेस को जो भी जीतेगा उसे 10,000 रुपए इनाम में मिलेगा। डॉक्टर सर। अरे आत्माराम जी, आप क्या हुआ? सांस फूल गई। वो क्या है कि मुसाफिर की जब उसकी मंजिल नजर आ जाती है तो मेरी जैसी हालत हो जाती है। लगता है शायद आपने अपने पोते के ऑपरेशन के लिए रकम का बंदोबस्त कर लिया है। जी हाँ, करीब करीब। ये पाई पाई जमा करके मैंने ये 15,000 रुपए जमा किए। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, बाकी के 10,000 बहुत जल्दी आ जाएंगे। मगर इतनी जल्दी आप 10,000 का बंदोबस्त करेंगे कहां से? अच्छा, ये देखिए, हम जैसे बूढ़ों की रेस हो रही है, मैं भी इसमें दौड़ूंगा। जीतने वाले को 10,000 इनाम में मिलेंगे। मगर आप तो ऐसे विश्वास से कह रहे हैं जैसे आपने ये रेस जीत ली हो। ये रेस मैं जीतूंगा। मजबूर की जरूरत को भगवान जरूर पूरी करेगा। देखना, मैं जीतूंगा ये रेस, मैं जीतूंगा। आत्माराम जी, ऑपरेशन के लिए ले तो जा रहा हूं, और भगवान ने चाहा तो अगले हफ्ते आपका पोता ठीक भी हो जाएगा। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेरा कर्ज याद है। अगले हफ्ते मेरी रेस भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मदद करेगा और मैं ही जीतूंगा। तब तक मेरा पोता आपके पास अमानत के तौर पर रहेगा। इतनी मेहरबानी कर दीजिए। आज तक तो कभी ऐसा किया नहीं आत्माराम जी, आज पहली बार करूं। आइए। अच्छा बेटा, अच्छा हो करा ना बेटा, तेरा दादा सिर्फ तेरे लिए जिंदा है बेटा, हो करेगा ना। वेलकम कैलाश। वर्मा गुल्लू का मैं आऊं कैलाश भैया, जेल से आजादी मुबारक हो। अभी नहीं गुल्लू, पहले उस बूढ़े हराम साधे आत्माराम को जिंदगी से आजाद कर दो, फिर मुझे आजादी की मुबारकबाद देना। मैं भी तो आपका जेल से आने की राह देख रहा था, ताकि आपकी आंखों के सामने उस बूढ़े शिकार को तड़पा तड़पा के मारूं। लेकिन इस वक्त वो मिलेगा कहाँ? कैलाश भैया, आज जे क्लब मैदान में बूढ़ों की दौड़ हो रही है, आत्माराम भी उस दौड़ में भाग ले रहा है। जे क्लब। मिस्टर मल्होत्रा। हेलो। मिस्टर मेहरा। हेलो। मिस्टर बेग। हेलो। मिस्टर आत्माराम। नमस्ते सर। जय माता की। आत्माराम जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आत्माराम
ये वही बूढ़े आत्माराम का बेटा है। नहीं। देखो, अगर तुमको मुझसे पता लगे इसे तो हम बाद में देख लेंगे गुल्लू। रेस शुरू होने वाली है, पहले उस बूढ़े आत्माराम से निपट ले। चल तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो देखो, मेरे बाबूजी की जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान है, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। आत्माराम मुबारक हो, तुम ये रेस जीत गए। आत्माराम आत्माराम आत्माराम, अरे लगता है इन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है, फौरन इन्हें अस्पताल ले चलिए। दूसरा नाम है दुनिया से जाने वाला हर बूढ़ा अपने बीवी बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई ना कोई वसीयत जरूर छोड़ के जाता है, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं दुनिया के लिए सिर्फ नसीहत छोड़ के जा रहा हूं। सबसे कहना कि हैसियत की चादर जितनी बड़ी हो पैर उतनी फैलानी चाहिए, नदुख की चिंगारियों से पैर जल जाते हैं, कभी कभी दिल जल जाता है,
बसा बसा एक घर जल जाता है। सब बच्चों को ये सीख जरूर देना कि जब तक दुनिया में रहो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाते रहना, कभी किसी पर बोझ मत बनना, कभी किसी पर आश्रित मत होना, वरना इस बोझ तले इंसान की इज्जत बोलो सब कुचल कर जर्रा जर्रा हो जाती है। ये एहसास मुझे बहुत देर से हुआ, अगर पहले हो जाता तो मेरा जवान बेटा। नहीं, आप रोइए मत। लक्ष्मी, सब ठीक है। मेरा रवि नहीं है अब तक। बाबूजी, मैं आ गया बाबूजी। रवि, अच्छा बेटा, अच्छा। तुझे तुझे देखे बगैर जाने को मन नहीं कर रहा था। ये वो बेटा है जो सारी जिंदगी अपने बाप को शिक्षा देता रहा, उसको गलत कदम उठाने से रोकता रहा। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान देने वाला गुरु होता है। बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाप बेटे का रिश्ता भूल कर तुझको गुरु मानकर सिर्फ एक बार तेरे पैर छूना चाहता हूं बेटा। नहीं बाबूजी, शास्त्र में ये भी तो लिखा है कि पांव छूने का हक सिर्फ बेटे को ही होता है। बेटा कितना भी ज्ञानी हो मगर उसका सर हमेशा अपने पिता के चरणों में होना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, आंखें खोलो बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए। नहीं बाबूजी, हम सबको इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बाबूजी आंखें खोलिए। अरे मुझे क्या पता था कि अपने पिता का आत्मविश्वास जगाने में मैं अपने पिता को खो दूंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ये रेस कभी नहीं रखवाता बाबूजी, मैं ये रेस कभी नहीं रखवाता। आंखें खोलिए बाबूजी, जिंदगी जीने का सही वक्त अभी आया है जब आपने अपने सारे कर्ज चुका दिए। आंखें खोलिए बाबूजी। बाबूजी आजा ठीक हो गए बाबूजी, बोलिए बाबूजी, बाबूजी बोलिए, बोलिए बाबूजी आजा ठीक हो गया। बाबूजी वो नहीं क्या आ रहा। बाबूजी आगे खोलिए बाबूजी, वो बाबूजी आगे खोलिए। अजय, दादाजी आगे खोलिए। दादाजी मैं ठीक हो गया। दादाजी, दादाजी, दादाजी मैं ठीक हो गया। दादाजी, दादाजी मुझे, दादाजी मैं ठीक हो गया। दादाजी, दादाजी मुझे, दादाजी मैं ठीक हो गया। दादाजी, 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 दादाजी है, वो भी तो एक कर्ज है। फर्ज समझ कर